आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A buyer purchased few books of equal value for a total cost of 720 rupees. मतलब उसने कुछ बुक्स खरीदी और सबकी वैल्यू जो है सबकी कीमत एक से सेम है, ठीक है, सबकी कीमत सेम है और टोटल कितना पैसा उसको पे करना पड़ा, 720 रुपए। तो हम तो पहले सबसे पहले क्या नोट कर लेंगे कि एक पुस्तक की कीमत कितनी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि let he purchased n books, ठीक है। सपोज उसने कितनी बुक्स खरीदी, n बुक्स खरीदी, तो एक पुस्तक की कीमत कितनी हो जाएगी, हम जितनी कॉस्ट है एक कीमत एक एक पुस्तक की जितनी वैल्यू है, ठीक है, अगर जितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं, अगर नंबर ऑफ बुक्स से हम डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट को, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक बुक की कीमत मिल जाएगी। सो द कॉस्ट ऑफ ईच बुक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ईच बुक इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 720 बटे एन, तो ये हो जाएगी एक पुस्तक की कीमत इतने रुपीस, ठीक। अब उसने क्या कहा कि इफ द वैल्यू ऑफ ईच वर 2 rupees लेस देन द प्राइस एट विच द बायर ओरिजिनली बॉट, तो पहले इसकी कीमत कितनी थी, 720 बटे एन, अगर इसकी कीमत जो है 2 rupees कम हो, ठीक है, अगर इसकी कीमत क्या हो, 2 rupees कम हो पुस्तक की, तो सी कुड हैव परचेज 4 more books, तो वह 4 और ज़्यादा बुक्स खरीद लेती है। तो जब 4 और ज़्यादा बुक्स खरीद लेगी तो बुक्स नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी, एन प्लस 4, तो जब 4 ज़्यादा बुक हो जाएंगी, ठीक है, और पहले कितनी थी, पहले एन बुक थी, तो ये ऐसा केस कब होता है जब उसकी कीमत क्या हो जाए, 2 rupees कम हो जाए, ठीक है। तो जब 2 rupees कीमत उसकी कम हो जाएगी, तो पहले 720 बटे एन थी, तब जितनी कीमत रही होगी ये क्या होगी, अब वाली कीमत से 2 rupees क्या होगी, ज़्यादा होगी। नहीं समझ में आया, पहले एक पुस्तक कीमत कितनी थी, 720 बटे एन, अब जब उसने जो है 4 ज़्यादा बुक खरीद लिया, तो जब 4 ज़्यादा बुक खरीद लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो कितनी छोटी हो जाएगी, 2 rupees, क्योंकि उसने क्या कहा, जब 2 rupees उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो यही हो गया कि इसने जो ये वैल्यू जो कम हुई है, कितनी कम हुई है, 2 rupees कम हुई है, तभी तो वो 4 book, तभी तो सेम रेट पे वो 4 book ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो ये क्या है, जब n बुक थी तब वैल्यू कितनी थी एक पुस्तक की, ये है जब 4 book और बढ़ गई तब कितनी कीमत होगी, तो ये कीमत किससे रिलेट किया है उसने, कि जब ये कीमत होगी तो क्या हो जाएगा, 2 rupees कम हो जाता है, तो ये किसके इक्वल है, हमारे 2 rupees के इक्वल है, मतलब जितनी वैल्यू ये कम हुई है इस वैल्यू से कितना कम हुआ है, 2 rupees कम हुआ है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमको वही फाइंड करना है कि हाउ मेनी बुक्स डिड सी ओरिजिनली परचेज, तो हमको n की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा n इंटू n माइनस 4, तो ये इधर हम 720 क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो 720 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 720 हमने बाहर ले लिया, n से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस 4, तो n माइनस 4 माइनस n अपॉन n इंटू, यहाँ पर n प्लस 4, सॉरी ये n प्लस 4 है, तो n प्लस 4 माइनस n अपॉन n इंटू n प्लस 4 इक्वल टू 2, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 360 टाइम्स, इधर हम सॉल्व कर लेते तो n से n कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 4 अपॉन n स्क्वायर प्लस 4n इक्वल टू 1/360, 360 को इधर ले आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 4n माइनस, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 1440 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 नंबर ऐसे फाइंड करते हैं जिनका जिनका सब्ट्रैक्शन क्या हो, 4 हो, और प्रोडक्ट क्या हो, उनका प्रोडक्ट हो 1440। तो 2 नंबर कौन से हैं, 40 और 36। कैसे हमको ये 2 नंबर मिलेंगे, इस वाले का फैक्टर कर लेते हैं। तो ये एक बेसिक मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। तो ये हो जाएगा 40n माइनस 36n माइनस 1440 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा n प्लस 40, इधर पे 36 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा n प्लस 40। अब इन दोनों में से अगेन कॉमन क्या आ रहा है, n प्लस 40 फिर से कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, n माइनस 36 बचेगा। इसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे, इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि n की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, तो इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। तो n की इक्वल कितना आ गया, 36। तो मतलब उसने कितनी बुक खरीदी थी, 36 बुक खरीदी थी, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।